दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड मैथ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपनी मनपसंद साइंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, जब भी हम ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में सुनते हैं तो हम काफ़ी रोमांचित होते हैं और हमको इनके बारे में जानने की काफ़ी इच्छा होती है और होने भी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स की ऐसी चीज़ है जो कुदरत के नियमों को चुनौती देती है। हम सभी को पता है कि ब्लैक होल का मास और ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि इसके चंगुल से लाइट भी बचकर वापस नहीं आ पाती। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि इसके मास और ग्रेविटेशनल फील्ड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है? आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसको इतना अनोखा बना देता है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इसको देखने के बाद आपको ब्लैक होल के बारे में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में से बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले मैं आपको इस टॉपिक से अलग एक और छोटे टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। उसको समझने के बाद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार का कंसेप्ट एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस में रहते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियस का साइज फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम क्या होता है। हमको पता है कि न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज हमको मालूम है। कैसे? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमने जाना था, हमको उसका रेडियस मालूम है। तो अगर हम 4/3 πr³ कर दें तो हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इससे प्रोटॉन का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के वॉल्यूम को प्लस कर दें तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम आ जाएगा। यह बिल्कुल सिंपल सी बात है। और न्यूक्लियस के रेडियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी बनाया गया है जो कि है r=r₀ a^3। यह बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। इससे हम न्यूक्लियस का साइज फाइंड कर सकते हैं और इसकी मदद से हम न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। जब r₀ की वैल्यू निकाली गई तो वह आई 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर। अगर हम a की वैल्यू 1 कर दें तो r की वैल्यू r₀ के बराबर आ जाएगी, यानी कि वह साइज किसका होगा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का। ठीक है, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, यह सब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अच्छे से समझाया गया है कि कैसे न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड करते हैं। हम सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातों को ही जानते हैं। ठीक है, यह तो पहली चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियस की डेंसिटी, यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी, वह कितनी होती है। तो हमको पता है कि अगर हम किसी चीज़ के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी डेंसिटी मिल जाती है। तो ऐसा ही केस न्यूक्लियस का भी है। तो अगर हम न्यूक्लियस के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमको न्यूक्लियस की डेंसिटी मिल जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी मिल जाएगी, और यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब न्यूक्लियस डेंसिटी की वैल्यू फाइंड की गई तो इसकी वैल्यू आई 2.3 × 10⁻¹⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी वैल्यू को ही देखकर आप इमेजिन कर लीजिए कि यह डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। 10⁻¹⁷, इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मैटर की। यह डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन यह सारी दुनिया किससे मिलकर बनी है, एटम से, और एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। हर चीज़ न्यूक्लियस से भी बनी है। जैसे कि इस समय आप फ़ोन पर यह वीडियो देख रहे हैं, यह फ़ोन किससे बना है, एटम से, और एटम में न्यूक्लियस होते हैं, करोड़ों न्यूक्लियस हैं, लेकिन फिर भी इसका मास इतना कम क्यों है। न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने पर भी इन सब चीज़ों का मास इतना कम क्यों है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में एक चीज़ समझिए, न्यूक्लियर डेंसिटी को हम ऐसे मेजर करते हैं कि जिस भी मटेरियल को हम मेजर कर रहे हैं, हम यह मान लेते हैं कि उसके अंदर सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से चिपके हुए पड़े हैं। एक न्यूक्लियस के बगल में दूसरा न्यूक्लियस, दूसरे के बगल में तीसरा न्यूक्लियस, ऐसे ही उस मटेरियल में सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से चिपके हुए हैं। हम न्यूक्लियर डेंसिटी को ऐसे मेजर करते हैं।
कैसे मेजर करते हैं? यह मानकर कि सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी खाली जगह होती है। बहुत सारी खाली जगह ट्रैवल करने के बाद तब जाकर दूसरा न्यूक्लियस आता है, और यह खाली जगह कितनी होती है? 10,000 गुना खाली जगह होती है। एटम के अंदर 99% खाली जगह होती है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमको पहला न्यूक्लियस मिला तो दूसरा न्यूक्लियस कब मिलेगा? 10,000 गुना खाली जगह ट्रैवल करने के बाद। तीसरा कब मिलेगा? खाली जगह ट्रैवल करने के बाद। तो सारे न्यूक्लियस कभी एक साथ नहीं रह सकते, उनके बीच में खाली जगह होती है। तो इसलिए जब हम पूरे एटम का वॉल्यूम लेकर डेंसिटी निकालेंगे तो वह डेंसिटी बहुत कम आएगी। एटम की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, वह इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसके बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने पर भी किसी चीज़ का मास इतना कम क्यों होता है? आपके फ़ोन का मास इतना कम क्यों होता है? क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। जबकि हमने न्यूक्लियर डेंसिटी कब निकाली थी? यह सोचकर कि सारे न्यूक्लियस एक जगह इकट्ठे हो जाएं। लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर सारे न्यूक्लियस एक जगह इकट्ठे हो गए तो वह चीज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा भारी हो जाएगी कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यह चीज़ होती है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स में। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है? क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। और उनका मास बहुत ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि एटम में से सारे न्यूट्रॉन बाहर आ जाते हैं। न्यूट्रॉन एटम को तोड़कर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जब सारे न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे हो गए तो वहाँ पर यह न्यूक्लियर डेंसिटी एप्लीकेबल हो जाती है, और यह न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत 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 ज़्यादा होती है, और इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसा इन सब हम केसेस में देखते हैं, किस केसेस में देखते हैं हम यह सब चीज़ें? ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार में, क्योंकि इनका मास और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। पर क्यों होता है? क्योंकि सारे न्यूक्लियस एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर डेंसिटी एप्लीकेबल हो जाती है। तो ब्लैक होल का मेन कंसेप्ट क्या है, उसका मास इतना ज़्यादा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर डेंसिटी की वजह से। लेकिन अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके संग क्या होगा? वह चीज़ अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटने लगेगी। और किसी भी चीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? एटम। अब ब्लैक होल की न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी ज़्यादा होने के कारण एटम के अंदर से सारे न्यूक्लियस एक जगह इकट्ठे होने लगेंगे, और ऐसा ही होता है। हॉकिंग रेडिएशन में ऐसा ही तो होता है, बॉडी के अंदर के कुछ पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं और कुछ पार्टिकल स्पेस में फेंकने लगते हैं। तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसके पीछे की सिंपल सी बात क्या है? न्यूक्लियर डेंसिटी की वजह से। ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर आपको पृथ्वी पर न्यूट्रॉन स्टार से मिलती जुलती कोई चीज़ बनानी हो तो आपको क्या करना होगा? सारे न्यूक्लियस को इकट्ठा करना होगा। ऐसा करने पर न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वह बॉडी न्यूट्रॉन स्टार जैसा बिहेव करने लगेगी। तो अब आप समझिए कि यह न्यूक्लियर डेंसिटी कितना छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इस छोटे से टॉपिक से यूनिवर्स की काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें काम कर रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। हमने सिर्फ न्यूक्लियर डेंसिटी को ऐसा बेस माना है, ऐसा होता है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, उनके लिए अलग अलग ब्रांचेस हैं। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या था, मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है कि न्यूक्लियर डेंसिटी ऐसी होती है। यह बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको समझाया। ब्लैक होल्स में ऐसे काम होता है, न्यूट्रॉन स्टार्स में ऐसे होता है। तो आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अपने व्यूज़ इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।